हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। रसो धिक्का रसो सनातन संस्थेवर बंदीची मागणी करणाऱ्या अन्य स्वाल्यांचा। हिंदू धर्म खतरे में है और अब हिंदुओं को आपस में लड़वाकर तोड़कर हिंदू संस्थाओं को आतंकवादी संगठन बताकर सनातन पर भी बंदी लाने का विचार भारत में कुछ दुष्ट आत्माएं कर रही हैं। और इस बारे में जन जागृति करने के लिए घंटानाद का आयोजन सोमवार को जलगांव में किया गया। घंटानाद के दौरान हिंदुत्ववादी संगठनों पर बंदी लाकर अपने ही देश में उन्हें कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसी भावनाएं रखी गई। अनिस के डॉक्टर दाभोलकर हत्याकांड में अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, किंतु हिंदुओं के अहित चिंतक हिंदू संगठनों पर पाबंदी की मांग कर रहे हैं, जबकि अभी कुछ साबित भी नहीं हुआ है। अपनी गंदी राजनीति की रोटी लोग समाज और धर्म के नाम पर पकाना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है, एवं सनातन संस्था समेत अन्य हिंदू संगठन ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। एकत्रितपणे आंदोलन करत आहेत, एक घंटानाद आंदोलन। आणि त्याचबरोबर सनातन संस्थेवर बंदीची मागणी ही जी उठवली जात आहे सर्व बाजूनी, तर त्याचा आम्ही इथे विरोध करत आहोत। जळगाव मधल्या समस्त हिंदुत्ववादी संघटना सनातनच्या पाठीशी भक्कमपणे उभ्या आहेत। सनातन संस्था अध्यात्म प्रसाराचं, हिंदू धर्म प्रसाराचं एक उत्तम कार्य करणारी संस्था आहे। तिचे साधक निस्वार्थ भावनेने ही सेवा करत असतात। त्यांच्या असंख्य निरपराध साधकांची चौकशी झाली, त्यांच्यावर करण्यात आले, त्या सर्व आरोपांचा आम्ही इथे निषेध करत आहोत। त्यांची जी मानहानी झाली ते अनिसवाले भरून देणार आहात का? इस घंटानाद के दौरान वहां हिंदू धर्म के प्रचारक समेत सनातन संस्था और अन्य हिंदू संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे थे। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।